हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्व्यूलस ऑफ द सिग्मॉइड कोलोन के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछते हैं। सिग्मॉइड कोलोन जो है उसके अंदर वॉल्व्यूलस, तो ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब के अंदर, ईस्टर्न यूरोप और युगांडा के अंदर। ठीक है, युगांडा, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है सिग्मॉइड कोलोन के अंदर वॉल्व्यूलस। In certain part of India, it is one of the common surgical emergency in elderly population में बहुत ज़्यादा common है। Most common it occurs in males, 2/3 of the cases are sigmoid and 1/3 are cecal volvulus. It is very much common in middle age and less than 60 years of age. It consists of 10-15% case of intestinal obstruction in India. More common in rural population. It is not uncommon even during pregnancy. So it is very very common disease. What is the risk factor, precipitating factor? Long mesentery of the pelvic colon. So long mesentery of the pelvic colon, narrow attachment at the base, and long redundant pendulous sigmoid. Ya to sigmoid mein hi dikkat hai, long redundant pendulous sigmoid. Loaded colon due to high residual diet. हाई रेजिड्यू डाइट की वजह से जो लोडेड कोलोन है, डाइवर्टिकुलाइटिस विद अ बैंड और एडहेशंस। सिग्मॉइड वॉल्व्यूलस इज अ डेफिनेट अकरेंस इन मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट। सो जो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो इट इज़ वेरी मच कॉमन और होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाइपोथायरॉयड, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वाई? ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन और ड्यू टू मेडिकेशंस। इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे या तो फिर मिजेंट्री जो है वो लॉन्ग हो गई, पेल्विक कोलोन, लॉन्ग मिजेंट्री ऑफ द पेल्विक कोलोन। सेकंड, नैरो अटैचमेंट एट द बेस। थर्ड, सिग्मॉइड ही खराब है, लॉन्ग पेंडुलस सिग्मॉइड। लोडेड कोलोन ड्यू टू हाई रेजिड्यू डाइट, डाइवर्टिकुलाइटिस विद अ बैंड और एडहेशंस। इन सब कंडीशन में, एंड इट इज़ अ वेरी डेफिनेट अकरेंस इन मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट, हाइपोथायराइड, पार्किंसन डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन और ड्यू टू मेडिकेशन। नाउ द क्लिनिकल फीचर ऑफ द सिग्मॉइड वॉल्व्यूलस, कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक। सो इफ द पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट कंप्लेन, तो एक्यूट सिग्मॉइड वॉल्व्यूलस इज अ फल्मिनेंट एंड डेंजरस टाइप। इट प्रेजेंट एज एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। इट स्टार्ट यूजअली आफ्टर स्ट्रेनिंग एट स्टूल्स, बहुत ज़्यादा स्टूल के टाइम पे स्ट्रेन करने की वजह से होता है। वॉल्व्यूलस इज यूजअली इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड आफ्टर वन एंड हाफ इन हाफ टर्न द एंटायर लूप बिकम गैंग्रेनस। तो वॉल्व्यूलस जो है वो कैसा होता है, इट यूजली इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड आफ्टर विच गैंग्रेनस कंडीशन अकर। एनॉर्मस डिस्टेंशन ऑफ द एबडोमन टेक प्लेस, तो पूरी की पूरी एबडोमन जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, विच गिव्स अ वेरी टिम्पैनेटिक नोट ऑल ओवर द एबडोमन। Why this distension of abdomen is taking place? Due to diffusion of carbon dioxide gas. Due to gross distension, severe hypovolemic shock develop within 6-8 hours of volvulus. तो hypovolemic shock हो जाएगा within 6-8 hours of volvulus. Gangrene हो जाएगा, which give rise to feature of strangulation. A dilated loop can be seen and felt. Features of peritonitis are seen within 1-2 days. Per rectal examination show rectum to be empty. तो ये देखने को मिलेगा हमें distended tympanatic drum like abdomen. तो that is the case of sigmoid volvulus. Distended tympanatic drum like abdomen. Drum की तरह देखो ये कैसा है, drum like abdomen is sigmoid वॉल्व्यूलस। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंशन वाई? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इन सब के डिस्टेंशन की वजह से देर में भी हाइपोवोलेमिक शॉक, गैंग्रीन और पेरिटोनाइटिस भी हो सकती है। अब इसमें क्रॉनिक जो है वो इंडोलेंट है, रिकरेंट सिग्मॉइड वॉल्व्यूलस का केस है। इट अकर ड्यू टू पार्शियल ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग ऑफ द बावल, तो पार्शियली ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग ऑफ द बावल रिजल्ट इन क्रॉनिक टाइप ऑफ सिग्मॉइड वॉल्व्यूलस। एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विथ रिकरेंट लोअर एबडोमिनल पेन, तो लोअर एबडोमिनल, उनको बार बार लोअर एबडोमिनल पेन होगा ऑन द लेफ्ट साइड।
डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन इज रिलीव्ड ऑन पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लेटस, पास करने से इनको रिलीफ मिलता है क्रॉनिक वाले पेशेंट में, ठीक है। तो रिकरेंट लोअर एब्डोमिनल पेन ऑन लेफ्ट साइड विद डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, तो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस में प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट पोजिशन में इट विल शो ह्यूजली डायलेटेड सिग्मॉइड का लूप, तो ह्यूजली डायलेटेड सिग्मॉइड लूप देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंट इनर ट्यूब साइन। तो बेंट इनर ट्यूब साइन कहते हैं इसको, ठीक है। ह्यूजली डायलेटेड सिग्मॉइड लूप देखने को मिलेगा। द डायलेटेड लूप मे बी विजिबल ऑन द राइट साइड इन द सेंटर और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, हैविंग टू फ्लूइड्स लेवल, हैविंग टू फ्लूइड्स लेवल, वन ऑन राइट साइड एंड वन ऑन लेफ्ट साइड। दिस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ओमेगा साइन। दो साइन कहते हैं, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करवाएंगे इरेक्ट में तो हमें ह्यूजली डायलेटेड सिग्मॉइड लूप देखने को मिलेगा, जिसको हम बेंट इनर ट्यूब साइन कह सकते हैं या फिर ओमेगा साइन कह सकते हैं, ठीक है। बेंट इनर ट्यूब साइन और ओमेगा साइन कहते हैं इसमें। और डायलेटेड सिग्मॉइड लूप के साथ साथ इट मे बी विजिबल ऑन द राइट साइड, सेंटर और लेफ्ट साइड विथ टू फ्लूइड लेवल ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड, ओके। तो ये फर्स्ट हम प्लेन एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम, कॉन्ट्रास्ट एनिमा के साथ। कॉन्ट्रास्ट एनिमा, एज द बेरियम एंटर्स द रेक्टम इट टेपर्स इनटू द सिग्मॉइड कोलोन, बर्ड बीक साइन इसको कहते हैं। तो बर्ड बीक साइन देखने को मिलेगा हम जब बेरियम एनिमा कराएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे डायग्नोसिस हो गया, अब इसमें ट्रीट कैसे करेंगे। तो एक है नॉन ऑपरेटिव मेथड, अ सक्सेसफुल पैसेज ऑफ फ्लेटस ट्यूब और सिग्मॉइडोस्कोप अप टू 25-30 सेंटीमीटर रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लेटस एंड फ्लूइड एंड ऑब्स्ट्रक्शन इज वेरी मच रिलीव्ड। एक सक्सेसफुल पैसेज ऑफ फ्लेटस ट्यूब हम उसमें डालेंगे या सिग्मॉइडोस्कोप, ओके, अप टू 25-30 सेंटीमीटर, इट विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लेटस एंड फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिव मेथड है। सेकंड, ऑपरेटिव मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेज रिसेक्शन, हार्टमैन्स प्रोसीजर, सिग्मॉइडोपेक्सी, एक्सटीरियराइजेशन, ठीक है। तो सिग्मॉइडोपेक्सी कर सकते हैं, सिग्मॉइडोपेक्सी, हार्टमैन प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, हार्टमैन प्रोसीजर और सिग्मॉइडोपेक्सी। तो ये हमारा हो गया 5 मार्क्स क्वेश्चन, वॉल्व्यूलस ऑफ द सिग्मॉइड कोलोन। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस इज वेरी मच कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब, ईस्टर्न यूरोप एंड इट प्रेजेंट एज अ कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी एल्डरली पॉपुलेशन, मेल्स में होता है, मिडल एज मेन, है ना, 10-15% केसेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यही लेके आते हैं पेशेंट, मोर कॉमन इन रूरल पॉपुलेशन एंड इट इज़ नॉट अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिस्क फैक्टर्स में 5 रिस्क फैक्टर हैं, लॉन्ग मेजेंट्री ऑफ द पेल्विक कोलोन, नैरो अटैचमेंट एट द बेस, लॉन्ग रिडंडेंट पेंडुलस सिग्मॉइड, लोडेड कोलॉन ड्यू टू हाई रेजिड्यू डाइट, डायवर्टिकुलाइटिस विद अ बैंड और एडहेशंस। क्लिनिकल फीचर एक्यूट में क्या लेके आएगा, तो एक्यूट में वही एनॉर्मस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, ड्रम लाइक अपेरेंस, ड्रम लाइक डिस्टेंडेड टिम्पेनेटिक एब्डोमेन में डिस्टेंशन लेके आएगा, साथ में हाइपोवोलेमिक शॉक, पेरिटोनाइटिस के फीचर्स, गैंग्रीन, ये सब भी हो सकता है। क्रॉनिक में यहाँ पे रिकरेंट लोअर एब्डोमिनल पेन होता है ऑन दी लेफ्ट साइड, ठीक है, ड्यू टू विच इज़ रिलीव्ड ऑन पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लेटस। डायग्नोसिस प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करा रहे हैं इरेक्ट पोजीशन पे और क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट एनिमा, ठीक है, दो करा रहे हैं। ट्रीटमेंट में नॉन ऑपरेटिव मेथड है और ऑपरेटिव में हमें सिर्फ दो नाम याद रखना है, हार्टमैन प्रोसीजर और सिग्मॉइडोपेक्सी। तो इसको रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्व्यूलस ऑफ द सिग्मॉइड कोलोन।